प्रोनाउंसिएशन का ये दिया था क्या? ये दिया था ना, तब हो गया ना पूरा। तो अब हेडिंग डालना इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। राइट ऑन हेडिंग इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें लिखना एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन व्हिच कैन यूज्ड टू मेक, एल्डोल रिएक्शन व्हिच कैन यूज्ड टू मेक फाइव और सिक्स मेंबर रिंग, फाइव और सिक्स मेंबर रिंग, द रिएक्शन इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, द रिएक्शन इज नोन एज इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सब कुछ वही रहेगा, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ वही रहेगा। हम एग्जांपल लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH और सेकेंड में हीटिंग है। अब इसका हमें प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें दो यूनिट नहीं लेना है, इसी के अंदर से दोनों क्या होंगे, ये इंट्रा बनेगा। जब भी थोड़ा सा लॉन्ग चेन आ जाए ना, इंट्रा समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रा बनने वाला है। या ऑप्शन में देख के लगेगा कि ये रिंग बनाया है, इसमें हमें इंट्रा बनाना है। यानी इसी के अंदर से हाइड्रोजन को निकालना है और इसी पे अटैक करवाना है। तो यहां पर ध्यान देना, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, C डबल बॉन्ड और CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, इधर कार्बन इधर कार्बन, ये सब कुछ सिमेट्रिक है। तो ज्यादा इसमें फाइव मेंबर या तो सिक्स मेंबर रिंग बनाते हैं। तो डाइल्यूट NaOH, या तो मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दू या तो इस हाइड्रोजन को निकाल दू, तो किसी को निकाल दो एक हाइड्रोजन को, तो CH2 अगर डायलूट NaOH यहां पर ट्रीट हुआ तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया। अब यहां बचा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन का हमने एक्सट्रैक्ट करवा दिया। अब इसी रिंग के ऊपर अटैक होगा, दूसरा यूनिट नहीं आएगा। और क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है कि इंट्रा जाने वाला है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि ये रिंग बनाया है तो इंट्रा ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के ऊपर अटैक करवाएंगे। इंट्रा मतलब अपने ही यूनिट के अंदर पे अब खुद ही न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और खुद सेल्फ में ही न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, सेल्फ पे ही अटैक करवाएगा, दूसरे के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको इंट्रा बोलेंगे। उसी मेंबर के अंदर न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा और उसी मेंबर के अंदर अटैकिंग होगा, उसको इंट्रा बोलेंगे। अब ये इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो कितना मेंबर रिंग बनेगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, क्योंकि ये इससे जुड़ेगा ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो काउंटिंग कर लेना, इसको मत सिक्स काउंट करना, क्योंकि रिंग बनाना है, ये रिंग बनाना है, यानी कि सिक्स हम नंबरिंग नहीं कर रहे, हम रिंग बनाने के लिए नंबरिंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 यही पर नंबरिंग क्यों किया हमने, क्योंकि ये इस पर अटैक करने वाला है। तो जब ये इससे जुड़ेगा तो इतना ही नंबर रिंग बनेगा ना, बनेगा ना, इसलिए हम रिंग के लिए काउंट कर रहे हैं कि सिक्स बनेगा या फाइव मेंबर रिंग बनेगा। तो इसीलिए इस पर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 यानी पांच मेंबर रिंग बनाएगा, बाकी जो रहेंगे वो उससे जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पांच मेंबर रिंग बना देना है, डायरेक्ट पांच मेंबर रिंग बना दो।
अब इसमें जो मर्जी करे वहां से तुम नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 जहां से मर्जी करे वहां से नंबरिंग कर दो। ये अब 1 है, 1 पे 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 3 पे वैसा ही है, 4 पे वैसा ही है, 5th पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो इसमें जब अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जब ये इस पर टाइप करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा ना, और इसमें कनेक्टिविटी होगी, ये 5 में रिंग बना देगा, ये ओ माइनस हो गया, और इस पे क्या लगा हुआ है 5th पे CH3 लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। ये मत सोचना कि इसको भी काउंट करो, हम रिंग बनाने के लिए 5 काउंट किए हैं, कि जब ये इसके बॉन्ड टूटेगा माइनस होगा प्लस होगा, ये प्लस और इस माइनस में जब बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, रिंग बनाने के लिए काउंट किया। 5 पे अटैचमेंट आ जाएगा और ये ओ माइनस हो जाएगा, और ये सेकेंड पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है इस पे, इसको OH लिख दें, तो ये NaOH और अटैकिंग हो गया। अब हीटिंग करने पे क्या बनेगा, हीटिंग करने पे OH जाएगा, डबल बॉन्ड किधर बनाएंगे, इधर या इधर, डबल सिंगल डबल यानी 1 और 5 के बीच में बनाएंगे। तो इसमें ध्यान में रखना है कि रिंग कितना मेंबर बनाए, तो यहां पर काउंटिंग कर लेना, नंबरिंग कर देना, सबसे बेटर रहेगा। और यहां लगा हुआ है CH3, यही इसका मेजर प्रोडक्ट भी होगा, और यही यहां से हीटिंग करने के बाद ये OH गया, यहां से हाइड्रोजन गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, नंबरिंग करना है तो 1 2 3 4 5 1 और 5 के बीच में, यानी वही उसके लिए अल्फा और बीटा है, देखो ये अल्फा और ये बीटा है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, तो उसी के जैसा सब कुछ मैकेनिज्म उसी के जैसे जाएगा। तो इसमें तुम कंफ्यूजन में यहां आओगे कितने मेंबर रिंग बनाए हम, तो काउंट कर लेना, इसका कनेक्टिविटी इससे हुआ तो ये और ये जब जुड़ेगा तो 5th मेंबर रिंग बनाएगा, 1 2 3 4 5, ये ऑक्सीजन अटैचमेंट में आएगा, समझ में आया क्या। इसको भी हाइड्रोजन को निकालते तो वही बनाता, लिख लो इसको, CH3 नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, यहां लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH और सेकेंड में हीटिंग है, इसका प्रोडक्ट बनाना है, इसका प्रोडक्ट बनाओ। ये 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है, प्रोडक्ट बनाओ इसका, एक और ऑक्सीजन लिखो, प्रोडक्ट बनाओ सेकेंड वाले का, आईटी में ही आएगा वो नहीं आएगा, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, ये सिमेट्रिक है ना, असिमेट्रिकल हम प्रॉब्लम होगा, सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इस पर अटैक करवा दो। आगे आंसर कितने मेंबरिंग बन रहा है, कहां डबल बॉन्ड आ रहा है? हाँ ठीक। तो इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, अब ये सिमेट्रिक है, जैसा ये वैसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसको मैं बना दूं CH2-, ये NaOH, इसको न्यूक्लियोफाइल बना दिया स्टेप वन में हमने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना। तुम इसको भी बना सकते हो, नो डाउट। इसको मत बनाना, यहां भी है, इसको नहीं बनाए, अभी बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मत बनाना, यहां भी हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, यहां भी हाइड्रोजन है। अगर इसको बनाओगे तो कितना मेंबरिंग बनेगा? 1, 2, 3, 4 मेंबरिंग बनेगा, बराबर है क्या? और हमें मैक्सिमम क्या रिंग बनाना है, 5 या 6 बनाना है। अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालोगे और यहाँ माइनस बनाओगे तो ये माइनस इस पे टाइट मारेगा, 1, 2, 3, 4 मेंबरिंग बनाएगा। 4 मेंबर में स्टेबल होता है, ज्यादा ज्यादा एल्डोल करने है, इंट्रा में 5 मेंबर या 6 मेंबर बनना चाहिए, भी ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन देंगे जिसमें कि यहाँ से यही से बनेगा वो, तो यहाँ से हमने न्यूक्लियोफाइल बना दिया। ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक करेगा, या इसको न्यूक्लियोफाइल बनाओ, इस पे अटैक करो। तो पहले ध्यान दे दो किसने कितने मेंबरिंग बना। तो ये अटैचमेंट इसके साथ होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर रिंग बना दो, डायरेक्ट 6 मेंबर रिंग बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट तुम 6 मेंबर रिंग बना दो। बाद में देखना कि अटैचमेंट कहां हुआ है, क्योंकि ये इससे अटैच हो गया है, हमने इसको नहीं काउंट किया क्योंकि वो रिंग के बाहर है। हमने काउंटिंग नंबरिंग उसी को लिया है जो रिंग के अंदर आ रहा है, यानी कि सर 6 होगा 7 होगा यहाँ। तो हमें रिंग बनाना है, तो हम रिंग के लिए नंबरिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि ये इससे अटैच हो रहा है। तो इसमें और इसमें बॉन्ड बनेगा तो 6 मेंबर ही बनाएगा, ये अटैचमेंट हो जाएगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अब इस नंबरिंग में कौन कहां सब्स्टिट्यूशन है, तुम जहां मन करे वहां से तुम नंबरिंग स्टार्ट कर दो, ये तुम्हारा मर्जी है। अब 1 पे CH2-, ये इसके साथ अटैच हुआ है, 2 पे ऐसा ही है, डबल बॉन्ड O है, 3 पे ऐसा ही है, 4 पे ऐसा ही है, 5 पे ऐसा ही है, 3, 4, 5 ऐसा ही है, 6 पे O- है और 6 पे एक और अटैचमेंट आ गया है CH3, इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया था, जो रिंग के बाहर आ रहा है। अब ये हमारा बन गया, तो यहां पर हम OH लगा देंगे, आफ्टर हीटिंग हीट कर देंगे, ये OH निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा यहां, क्योंकि डबल सिंगल डबल और रेजोनेंस में जाएगा। तो यहां पर हम डबल यहां बना देंगे, OH को गायब कर देंगे और यहां लगा हुआ है CH3, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये है ना। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखते हैं इंट्रा का। अब इसमें मैं असिमेट्रिक दे रहा हूं, दोनों तरफ एल्डिहाइड कीटोन कीटोन था, सिमेट्रिक था, दोनों क्वेश्चन में सिमेट्रिक था। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा बना, एक में 5th मेंबर रिंग बना और एक में 6th मेंबर रिंग बना, बस इतना ही डिफरेंस था दोनों में, दोनों सेम क्वेश्चन थे, दोनों में कीटोन कीटोन थे। अब हम इंट्रा में एक एल्डिहाइड ले रहे हैं, एक एंड को एल्डिहाइड ले रहा है और एक दूसरे एंड को कीटोन ले रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में दोनों एंड कीटोन से जुड़ा हुआ था। अब यहां पर दोनों एंड को मैं चेंज कर रहा हूं, CH3 और इसमें ये चीज ध्यान देना है कि 7 मेंबर रिंग नहीं बनाना है, ज्यादा 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बनाना है, 5th मेंबर और 6th मेंबर रिंग बनाना है। अब ये है हमारा डाइल्यूट NaOH और यहां पर है हीटिंग। अब इसका प्रोडक्ट बनाओ,
अब इसमें ये दोनों असिमेट्रिक है, इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक था, तो इस क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना नहीं था कि कौन किसको न्यूक्लियोफाइल बनाया जाए और किस पे अटैक करवाया जाए, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक था, लेकिन ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको न्यूक्लियोफाइल बनाया जाए और किस पे अटैक करवाया जाए, क्योंकि एक तरफ कीटोन है और एक तरफ एल्डिहाइड है, कि यहाँ दोनों एंड कीटोन से था इसलिए हम डिसाइड नहीं कर रहे थे, और दोनों में सिमेट्रिक था, जैसे ही दोनों टर्मिनल असिमेट्रिक आ जाएगा फिर से वही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अब यहां पर एक तरफ कीटोन है, एक तरफ एल्डिहाइड और कीटोन है, तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब इस सेंटर पे क्या होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है उस पे क्या होता है, पॉलिश डिफिशियंट होगा, ये डिफिशियंट पे क्या करवाना है, अटैक करवाना है, यानी ये सेंटर हमने डिसाइड कर लिया कि ये अटैकिंग सेंटर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यहाँ पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और यहाँ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, और इसीलिए इस पर अटैक होगा, इस पर अटैक होगा, यानी जब असिमेट्रिक होगा एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन होगा, तो हमें फिर से वही काम करना होगा, फिर से हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर को चुनना पड़ेगा और उसी पर हमें अटैक करवाना पड़ेगा। अब यहां पर हमें अटैक करवाना है, इसका मतलब इस पार्ट को हमें न्यूक्लियोफाइल बनाना है। अब हमारे पास ये भी है और ये भी है, यहां भी हाइड्रोजन है, यानी ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है और ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर मैं इस एसिडिक हाइड्रोजन को चुनता हूं और इस पे अटैक करवाता हूं, देखो कितना मेंबरिंग बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबरिंग बनेगा, तो 7 मेंबरिंग हमें नहीं बनाना है। अगर बना भी देते हो तो थोड़ा अनस्टेबल होगा, या बना के लास्ट में हम चेक करेंगे, तो इसका मतलब मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊं, इस हाइड्रोजन को हटाऊं और यहां क्या लगा दो, निगेटिव, ये माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा, तो 1, 2, 3, 4 और कितना मेंबरिंग बन गया, 5, तो हमें मैक्सिमम 5 या 6 मेंबरिंग बनाने हैं, 7 नहीं बनाना है, या मेजर ये देगा, ये नहीं देगा मेजर, 7 मेंबरिंग बनेगा लेकिन मेजर ये देगा। तो इस केस में ये हमारे लिए अल्फा एच नहीं है, इस केस में हमारे लिए अल्फा एच ये है, क्योंकि अगर मैं इसको चुनता हूं तो 5-7 मेंबरिंग बनाएगा, और इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो 5 मेंबरिंग बनाएगा, हमें 5 मेंबर या 6 मेंबरिंग बनाना है, या वही मेजर होता है। इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हटाना है, यहां माइनस लगाना है, इस माइनस का टाइप इसके ऊपर करवाना है, करवा के बनाओ, दिस वन इज अटैकिंग सेंटर और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। तो इसमें 5 मेंबरिंग बनाओ, पहले 5 मेंबरिंग पे नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद जहां अटैचमेंट होगा वहां पर उसके जैसा लिखो, तो 5 मेंबरिंग बना देंगे, पहले 5 मेंबरिंग पे नंबरिंग कर दो ताकि हम कहां पर क्या अटैचमेंट है वो चीज जान पाए। एक पे अटैचमेंट है सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री का अटैचमेंट है, बनाओ इसको,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई NaOH दिया हुआ है और हीटिंग दिया हुआ है, अब इसका प्रोडक्ट बनाना। क्या करना है इसमें, ये CHO लिखा हुआ है, बोले तो C डबल बॉन्ड O और H, यहां पर CH3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है और इसको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है। यही काम होगा ना, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट और दिस वन इज कीटोन, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा, इस पर टैग करवाना पड़ेगा। करो, बना लिए। अब हमें, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, हीटिंग हटा रहा हूं, इसको मैं क्या बना दूं, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहां टैग मारेगा, इंट्रा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर टैग मारेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस माइनस में और इस कार्बन में कनेक्टिविटी होगा, तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें और इसमें कनेक्टिविटी करोगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा ना। एक ये है और एक ये है, दो इधर है, दो इधर है, अब इसको और इसको जोड़ देना है, जोड़ दिया हमने, 6 मेंबर रिंग बन गया ना। अब जब इस पे टैग होगा तो क्या होगा, इस पे O माइनस होगा, इस पे क्या लगा हुआ है, अब क्या होगा, OH बनेगा, अब क्या होगा, हीटिंग। ये बॉन्ड टूटेगा तो कहां बॉन्ड बनेगा, यहां, क्योंकि डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा, समझ में आया गया। क्लियर हो गया ये, तो ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब हेडिंग डालना, कैनिजारो रिएक्शन, हेडिंग डालना कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन अब कैनिजारो रिएक्शन किसके लिए वैलिड है,
एल्डोल किसके लिए था? जिसके पास अल्फा एच हुआ करता था। कैनिजारो में जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे कि मान लो यहां पर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड है, या एक रिंग बना लो और सी डबल बॉन्ड ओ एच ये भी एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसके पास भी अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा एच नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन का अल्फा होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं कीटोन कीटोन हो गया, इस पे भी अल्फा एच नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ कैनिजारो का रिएक्शन होता है, यानी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा एच नहीं हो। ठीक है, अब इसके अंदर से हम कंसंट्रेटेड के ओ एच लेते हैं। एल्डोल में क्या लिया करते थे? डाइल्यूट लेते थे, इसमें क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड लेते हैं। के ओ एच ले लो, एनसीईआरटी में के ओ एच लिखता है, या एन ए ओ एच ले लो, कुल मिलाकर बेस लेना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसका रिएक्शन में दो यूनिट इसमें भी लिया जाता है, इसका दो यूनिट लिया जाएगा, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन किया जाता है, मतलब डायरेक्ट मैं बता रहा हूं फिर मैकेनिज्म बताएंगे, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होगा, यानी अगर मैं इसका लिखूं तो इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, इसमें भी बाई डिफॉल्ट दो यूनिट लिया जाता है, तो एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे यूनिट का रिडक्शन होगा। तो एक यूनिट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक, और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा क्या बनता है? अल्कोहल। तो इसमें कार्बोक्सिलिक भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि कैनिजारो के अंदर एक यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे यूनिट का रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन होने से एल्डिहाइड का क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक बनेगा। अगर रिडक्शन हुआ तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो एक ही अगर कंपाउंड के ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स बोलेंगे। तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स में एक स्पेशल नाम दिया जाता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन, तो क्या बोलेंगे उसको? डिसप्रोपोर्शनेशन। तो कैनिजारो एक डिसप्रोपोर्शनेशन का टाइप है, समझ में आया गया? तो पहले हेडिंग डालना कैनिजारो रिएक्शन, उसमें लिख लेना, लिखना कैनिजारो रिएक्शन में, लिखना कैनिजारो रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू यूनिट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, अगर दोनों यूनिट सेम रहेगा तो हम सेल्फ कैनिजारो बोलेंगे, इसमें भी क्रॉस पढ़ेंगे, बिटवीन टू यूनिट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच हैज नो अल्फा एच। एग्जाम्पल लिखना Which has no alpha H, इनके पास alpha H नहीं है, मतलब दोनों यूनिट में से किसी के पास भी alpha H नहीं होना चाहिए, इन्हें कि एक पास रहेगा एक पास नहीं रहेगा तो हो जाएगा, नहीं, दोनों में से किसी के पास alpha H नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख लेना, इनके पास alpha H नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन करवाते हैं जिसमें कि उसके पास alpha H नहीं होता है। एग्जाम्पल लिख लिए, आगे लिखना
वन यूनिट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वन यूनिट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वन यूनिट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर यूनिट अंडरगोज रिडक्शन. वन यूनिट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अदर यूनिट अंडरगोज रिडक्शन एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, एंड फॉर्म कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. This is also known as disproportionation reaction. In the Cannizzaro reaction, we have to take concentrated KOH, कंसंट्रेटेड के ओ एच और कंसंट्रेटेड एन ए ओ एच, मतलब बेस लेना है. कंसंट्रेटेड के ओ एच और कंसंट्रेटेड, तो मैं पहले डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना रहा हूं. अगर मान लो इसका दो यूनिट दिया गया है और इस पर अल्फा एच नहीं है और यहां लिखा है कंसंट्रेटेड के ओ एच, ये एल्डोल से आसान पड़ता है. तो एक यूनिट का इसमें बना देना है, ऑक्सीडेशन करवा देना है इसका. अगर हम एक यूनिट का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक होता है. और एक यूनिट का बना देना है क्या, रिडक्शन कर देना है. एक कार्बन है तो एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, अल्कोहल में. इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन. ये हुआ रिडक्शन और ये हुआ ऑक्सीडेशन. अब ध्यान देना, यहां हमने एसिड बना दिया. अब इसमें क्या है, इसमें हमने कंसंट्रेटेड के लिया, बेस लिया है. तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाता है. तो यहां आपको एसिड नहीं लिखना है, यहां सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक लिख देना है. मतलब एच को हटा देना है और सॉल्ट बना देना है. बनेगा वही कार्बोक्सिलिक ही, लेकिन बाद में सॉल्ट बना देना उसको. ये सिंपल तरीके मैंने बताया. अब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो डायरेक्टली हमें कैनिजारो आसान पड़ता है. अब इसमें क्या बनाएंगे, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, एक यूनिट का बना दो क्या, ऑक्सीडेशन कर दो, यहां OH हो जाएगा, हम सॉल्ट बना देंगे. और दूसरे यूनिट का क्या कर देंगे, हम रिडक्शन करवा देंगे. तो रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये एक यूनिट का हमने सॉल्ट बना दिया, मतलब कार्बोक्सिलिक बना दिया, और दूसरे यूनिट का हमने अल्कोहल बना दिया. इसमें क्या करेंगे, इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे होगा, पहले मैकेनिज्म देख लो इसका, ये लिख लो पहले इसका. तो एक यूनिट का ऑक्सीडेशन करवाना है और दूसरे यूनिट का रिडक्शन करवाना है. इसमें मोस्टली एल्डिहाइड ही यूज होगा. अब लिखना इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म लिखना इसका. लिखना इसका मैकेनिज्म. अब ध्यान देना, मैं ये एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैकेनिज्म. पहले क्या लिया हुआ था, KOH, OH माइनस. अब इसके पास तो अल्फा एच नहीं है तो ये एज ए बेस का, एज ए बेस काम नहीं करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. क्योंकि एल्डोल में क्या हुआ करता था, एल्डोल में यहां अल्फा एच था इसलिए एज ए बेस काम करता था. लेकिन यहां पर अल्फा एच नहीं है तो क्या काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल. ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर है, स्पेस का क्या होगा, अटैक करवाएगा. इस पे क्या होगा, अटैकिंग होगा.
जब ये टाइपिंग होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, यानी इस केस में सी ओ माइनस और यहां एच और यहां ओ एच लग गया। अब ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, अगर ये तोड़ के गया फिर से वही आ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा वही आ जाएगा। तो यहां पर टूटना चाहिए था ये, समझ में आया क्या? क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा तो यही टूटेगा ना, जब टूटेगा तो फिर से वही बन जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। और इसी वजह से रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए क्या बोला जाता है कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसका कंसंट्रेशन क्या कर दो, ज्यादा कर दो। ज्यादा करेंगे तो किधर रिएक्शन भागेगा, फॉरवर्ड में भागेगा, इसको बैक आने ही नहीं देगा, नहीं तो ये तोड़ के फिर से बना देगा। इसलिए रिएक्शन में फॉरवर्ड जाने के लिए इसको कंसंट्रेटेड लिया जाता है, वही एल्डोल में डाइल्यूट लिया जाता था। तो ये रिएक्शन फिर से तोड़ के ये ना बना दे, ये ऐसा ना बना दे इसमें, इसीलिए यहां पर कंसंट्रेटेड लिया जाता है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ज्यादा रहा तो रिएक्शन किधर भागेगा, नीचे टेल प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसका अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहा तो रिएक्शन किधर भागेगा, फॉरवर्ड भागेगा, इसीलिए इसको कंसंट्रेटेड लिया जाता है। अब यहां पर डबल बॉन्ड तो बनेगा लेकिन जाएगा कौन, अब इस बार अब पहला ऐसा केस हो रहा है जहां पर हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा है, और वो भी हाइड्रोजन प्लस छोड़ के नहीं जाएगा, यहां से हाइड्रोजन माइनस छोड़ के जाता है। ये पहला ऐसा केस आया जहां पर हाइड्रोजन ही तोड़ के जा रहा है। याद रखना कैनिजारो में एच माइनस निकलता है, और जब एच माइनस निकलेगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, और इस डबल प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं इस एच को इधर लिख रहा हूं और इसको इधर लिख दूं मैं, तो एक यूनिट का बन गया कार्बोक्सिलिक, समझ में आया क्या? अब एक्चुअली कार्बोक्सिलिक बना और यहां हमने क्या लिया है, बेस लिया है। तो एक ही कंटेनर में एसिड और बेस थोड़े रह सकते हैं, दोनों रिएक्शन कर लेगा, अगर के प्लस है तो यहां पर आगे क्या जुड़ जाएगा, बनाना हमें कार्बोक्सिलिक ही है लेकिन हमें सॉल्ट बना देना है, क्योंकि एक ही कंटेनर में दोनों रह नहीं सकते। तो स्टेप नंबर वन में क्या हुआ, स्टेप वन में ओएच एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, क्योंकि अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर अल्फाइस नहीं है तो एज ए बेस अटैक नहीं कर सकता ये, तो यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पड़ेगा। एल्डोल में क्यों एसिड बेस कराता था, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक से, इसीलिए वो पहले स्टेप में एज ए बेस अटैक करता था, यहां एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बॉन्ड टूटेगा फिर यहां से एच माइनस निकलेगा, प्लस बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन गया, यानी एक यूनिट का बन गया कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड का एक यूनिट बन गया कार्बोक्सिलिक, समझ में आ गया। अब स्टेप टू, बेल लग गया क्या? तो अब स्टेप टू में देखना, अब स्टेप टू में अब इसका दूसरा यूनिट, दूसरा यूनिट जो होगा वो एच माइनस, ये एच माइनस अटैक मारेगा, अब ओ एच माइनस नहीं अटैक करवाएंगे, इस एच माइनस का अटैक करवाएंगे, यानी जो पहला यूनिट से एच माइनस निकला है उसका अटैक इस पे करवाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ओ माइनस यहां एच और यहां एच। अब इसके अंदर जो हमने लिया था तो वाटर तो होगा इसके अंदर, यानी वाटर जब होगा, अब ये डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, जब वाटर होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया, समझ में आया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रिएक्शन में एक एच को निकालना है, यानी ये रिएक्शन कीटोन के लिए वैलिड है नहीं है क्या, कीटोन में अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन रहे तो फिर निकलेगा कौन, समझ में आया क्या? तो हमें हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा, यानी ये कैनिजारो एल्डिहाइड के लिए ही वैलिड है, क्योंकि उस वहां से हाइड्रोजन निकालना है, समझ में आया क्या? तो सेकेंड यूनिट का क्या हुआ, सेकेंड यूनिट अल्कोहल बना और फर्स्ट यूनिट क्या बना, कार्बोक्सिलिक, इसीलिए एक यूनिट का करा दिया जाता है
ऑक्सीडेशन और सेकेंड यूनिट क्या करा दिया जाता है रिडक्शन। तो याद रखना इसका मैकेनिज्म ध्यान में रखना है।